इस समय बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से हम आपको दे रहे हैं कि मार्च महीने की शुरुआत हो चुकी है। आपको पिछले साल का मार्च याद होगा कि जब कोरोना ने दस्तक दी थी, लेकिन आज का जो मामला है हरियाणा के करनाल का एक बहुत बड़ा मामला, हम आपको बता रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एक साथ 54 स्कूली बच्चे जो सैनिक स्कूल कुंजपुरा के हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक बड़ी खबर है इस समय करनाल से। और सबसे बड़ी बात है कि जब से स्कूल खुले हैं, लगातार जो है कोरोना कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है, जो चिंता का विषय जरूर है। अब सरकार को देखना होगा कि जो स्कूल एक एक करके खोले गए थे, क्या वे आगे खुले रहेंगे या धीरे धीरे आगे उनको दोबारा से बंद किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट है, करनाल में आज 88 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें से अकेले 54 सैनिक स्कूल कुंजपुरा के हैं। हरियाणा का एक बड़ा सैनिक स्कूल कुंजपुरा, जिसमें डिफरेंट स्टेट से जो है बच्चे पढ़ते हैं, उसके अकेले जो है 54 बच्चे पाए गए हैं। कल 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद जब उनके कंटेंट पॉजिटिव अन्य टेस्ट किए गए तो 54 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और करनाल में कोरोना का आंकड़ा सबसे ज्यादा दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमें दोबारा से सचेत रहने की जरूरत है, चाहे हम आपकी बात करें, चाहे हम बतौर पत्रकार के तौर पर बात करें। आगे से हम आपको जो भी खबर दिखाएंगे, मास्क डालकर जरूर इसका आपको एक परिचय देंगे कि आपने अगर मार्केट में जाना है, आपने कहीं भी जाना है, कि अब दोबारा से आपको सचेत रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का आपने ध्यान रखना होगा, मास्क जरूर डालना होगा और समय समय पर हाथ जरूर धोने होंगे, क्योंकि लगातार एक बार फिर से जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ने शुरू हो चुके हैं। 88 केस आज सामने आए हैं, जिसमें से 54 स्कूली बच्चों के हैं। इस समय करनाल के जो सीएमओ हैं डॉक्टर पीयूष शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद है। योगेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्षमा चाहूंगा सर, क्या कहना चाहेंगे सर? 88 केसेस आज सामने हैं, जिसमें से 54 जो है अकेले सैनिक स्कूल कुंजपुरा के हैं। तो कहीं ना कहीं अब दोबारा से सचेत रहने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है। हाँ, पहले तो मैं थोड़ा आपको करेक्शन करूँ। एक्चुअली आज अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें 78 है, 78 केसेस पॉजिटिव आए हैं। उसमें से ये ठीक बात है, 54 केसेस एक ही स्कूल से हैं। ये कल 3 बच्चे इस स्कूल से पॉजिटिव आए थे, और उनके बाद जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने कांटेक्ट ट्रेसिंग करके जितने भी हॉस्टल में उनके साथ के कांटेक्ट्स थे, बच्चे थे या और उनका स्टाफ था, उन सभी का टेस्ट लगभग 390 के आसपास हमने कल टेस्ट इनके एक ही इंस्टीट्यूशन से किए थे, और उसमें से 54 बच्चे जो हैं ये पॉजिटिव आए हैं। तो अभी हमारी सारी रैपिड रिस्पांस टीम्स जो हैं वो वहाँ गई हुई हैं, लोकल SMOs वो सभी वहाँ पे जाके बच्चों को एक सेग्रीगेट कर रहे हैं, और साथ में उस जो हॉस्टल है उसको कंटेनमेंट जोन बनाने की एक प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है। सर, लगता है कि चिंता का विषय जरूर है कि स्कूली बच्चों को जो है कोरोना जिस तरह से चपेट में ले रहा है। पिछले दिनों कॉन्वेंट स्कूल और अन्य स्कूलों के एक एक दो मामले सामने आए थे, लेकिन जिसके बाद परिवार के लोगों में, खासतौर पर पेरेंट्स पे चिंता जरूर सता रही थी कि अगर बच्चों में कोरोना आएगा तो आखिरकार कैसे बच्चों को स्कूल भेजेंगे। लेकिन जो 3-4 दिन पहले कक्षा 1 से भी जो है स्कूल खोल दिए गए हैं, हालांकि इस पर अब आगे क्या लगता है कि सरकार क्या कुछ फैसला ले सकती है, क्योंकि एक साथ स्कूलों में भी जो है इतने मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, लाइफ को नॉर्मल तो होना ही है। हमारे बिल्कुल कोरोना का ग्राफ जो बिल्कुल ख़त्म के कगार पे आ गया था करनाल में, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक में और जो जनरल ढिलाई बढ़ती जा रही है, मास्क का प्रयोग बहुत कम हो गया है। आप देखेंगे भीड़ भाड़ एरिया में कोई भी मास्क नहीं पहनता है। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। हमारी अड़ोस पड़ोस की जो स्टेट्स हैं, दिल्ली है चाहे पंजाब है, वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं और उनका भी प्रभाव कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट्स पे पड़ता है जो हाईवे के ऊपर हैं। तो ऑफ कोर्स स्कूल्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना, लेकिन फिर भी अगर हमारे टीचिंग विभाग में जितने अधिकारी हैं वहाँ पे अपने टीचर्स हैं, वो बच्चों में ये सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रॉपर उपयोग है और हैंड वॉशिंग है, वो उसके ऊपर खास ध्यान रहे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो क्योंकि बिल्कुल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि एक हफ्ता 10 दिन पहले कोरोना के केसेस ना के बराबर थे, और हम अगर बतौर पत्रकार बात करते हैं, हमने भी देखा था कि हम भी अगर कहीं जाते थे तो लोग भी मास्क नहीं डालते थे और हम भी मास्क डालना छोड़ दिया था। लगभग एक आदत थी जो है, लोग दोबारा से उस गाड़ी पर आ गए थे, उस प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। लेकिन अब जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा से उसी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि एक साथ 80 के करीब मामले करनाल में आज सामने आए हैं। 54 तो है अकेले सैनिक स्कूल कुंजपुरा के हैं, तो अलग अलग डिफरेंट स्टेट से आए होंगे बच्चे हों सभी। हाँ बिल्कुल, ये बच्चे जो हैं जो हमने वहाँ टीम से पता किया है, वो 14 फरवरी से स्कूल शुरू हुआ था। तो ये क्योंकि ये मोस्टली स्कूल्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बच्चे आए हैं, हालांकि सभी बच्चे जो हैं
नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ अपने वहाँ पे स्कूल में हॉस्टल में आए थे, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं वो जो ट्रैवलिंग के दौरान कुछ बच्चों ने कहीं संक्रमण पाया गया हो उन्होंने। और दूसरा, ये जो तीन चार पिछले छः बच्चे दो दिन पहले हमारे सिविल हॉस्पिटल में फीवर के साथ और सिम्टम्स के साथ आए थे, उनका टेस्ट करवाया गया था, उन्हीं में से वो तीन जब पॉजिटिव आए तो सभी को हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी। अभी तक कितने एक्टिव केस की संख्या है करनाल के? कल शाम तक हमारे 196 एक्टिव केसेस थे और आज में उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है क्योंकि एक ही जगह से इतने 54 के आसपास हमारे केसेस पॉजिटिव आए हैं। अभी हमारे कुछ सैम्पलिंग की रिपोर्ट अभी शाम तक आनी और बाकी। दोबारा से आइसोलेशन सेंटर्स जो अलग अलग जगहों पर बनाए गए थे, जाट धर्मशाला हो या दूसरी जगह हो, वहाँ पर बढ़ाए जाएंगे क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रखना तो जरूर होगा? नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि ये तो एक इकलौता ऐसा एक मामला आया है और हम जल्दी इसको कंटेन भी कर लेंगे क्योंकि एक ही लोकल एरिया का मामला है, बच्चे बाहर भी नहीं जाते हैं, हॉस्टल के हैं और होपफुली सभी यंग बच्चे हैं, किसी में कोई ज़्यादा सिम्टम भी नहीं पाए गए हैं, तो वो ऐसी उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कंटेन कर लिया जाएगा कि अगर स्प्रेड ना हो। लेकिन फिर भी सोसाइटी के लिए मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी खतरा टला नहीं है, बहुत ज़्यादा केसेस आपके आसपास हैं, आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है जब तक कि हम प्रॉपर वैक्सीनेशन मैक्सिमम ना करवा सकें। और इसी के लिए माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि अब 60 ईयर्स अबव की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है, जितने हमारे 60 ईयर अबव पॉपुलेशन के हमारे लोग हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में, वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें। नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जहाँ बिल्कुल फ्री मिल रही है, और 15 सेंटर्स ऐसे भी हैं प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे 250 रुपीज़ पर डोज के हिसाब से वैक्सीनेशन करवाई जा रही है, तो उसका कराएं क्योंकि सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी जो है वो इसी एज ग्रुप में है, मोर्टेलिटी इसी एज ग्रुप में है। तो सर, इस मामले को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल संचालकों की भी मीटिंग आप प्लान करेंगे, और कहीं ना कहीं स्कूल संचालकों और टीचर्स के नाम क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल, हम ने अभी बात करी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग अब करने जा रहे हैं जिसमें स्कूल के लिए फिर से एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को है, पहले भी दी जा चुकी है, दोबारा से उनके रीट्रेट किया जाएगा कि कोई भी बच्चा जो जिसको बहुत ही हल्का फुल्का सिम्टम्स भी हों तो उसको इमीडिएटली सेग्रीगेट किया जाए और उसका टेस्ट करवाया जाए। इसको हमें हल्के में नहीं लेना है। मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत बार हमारी टीम्स जाती हैं तो वो टेस्ट करवाने से मना कर देते हैं या उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार करते हैं कि आप ज़बरदस्ती टेस्ट करवा लें, क्योंकि ये सब सोसाइटी के लिए स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है। कहीं भी डाउट पड़ता है, चाहे वो स्लाइटेस्ट डाउट क्यों हो, चाहे वो कहे जी इसको ऐसी सर्दी लगी है, लेकिन हमें सबसे पहला कोरोना को नेगेटिव रिपोर्ट लेनी है, तो इसलिए अपना टेस्ट जरूर करवाएं। अगर फैमिली में किसी और को भी कोई दिक्कत है तो टेस्ट जरूर करवाएं, एक ही इलाज है, टेस्ट करवाएं, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेट करें। सर, एक अंतिम सवाल, जो कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, 54 केसेस हैं, कौन सी क्लासेस के ज़्यादा बच्चे हैं? ये मोस्टली 10th 10+1 के बच्चे हैं। अभी सारी डिटेल अभी क्योंकि वहाँ चल रही है और उसके डिटेल्स कौन सी स्टेट से आए हैं, कहाँ कहाँ रहने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स हम अभी ले रहे हैं। तो बिल्कुल, इस समय आप देख रहे थे करनाल के डॉक्टर योगेश शर्मा जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, सिविल सर्जन है। सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि अकेले एक स्कूल करनाल का सैनिक स्कूल गुंजपुरा, जहां से 54 बच्चे जो है आज कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, चिंता का विषय जरूर है क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो सावधानियां हैं वो बरतना छोड़ चुके थे, हमने दोबारा से उस चीज का ध्यान रखना है। आपको याद होगा वर्ष 2020 मार्च के महीने में किस तरह से कोरोना के केसेस जब सामने आने शुरू हुए थे, तभी जाकर जो है लोग किस तरह से अलर्ट हो चुके थे और पूरा साल इस तरह से निकला। लेकिन अब दोबारा से मार्च की शुरुआत हो चुकी है, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और लगातार कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। 78 केसेस जो है आज करनाल में सामने आए, जिसमें से अकेले जो है 54 केसेस करनाल के सैनिक स्कूल कुंजपुरा के हैं। और दूसरा, करनाल के सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा ने एक लोगों से यह भी अपील की है कि आपके घर में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, खासतौर पर 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, सभी को वैक्सीन जरूर लगवाएं क्योंकि 1 मार्च से आम लोगों के लिए वैक्सीन जो है शुरू हो चुकी है। 60 साल से ऊपर अपने जितने माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, जो भी लोग आपके घर में रहते हैं या खुद अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, आप वैक्सीन जरूर लगाएं, भ्रांतियों में ना आए, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, पेरेंट्स से हमारी अपील है बच्चों का ध्यान रखें, और विशेष तौर पर जो जो एहतियात आप पहले बरतते थे अब दोबारा से आपको एहतियात बरतने की जरूरत जरूर है, क्योंकि जब तक कुछ दिन में सिचुएशन साफ पता नहीं चल जाती कि आखिरकार कोरोना के जो केसेस हैं और कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर हमें कहीं ना कहीं सचेत अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।